आज एग्री कॉमोडिटीज की बात की जाए तो हफ्ते के पहले कारोबारी दिन एग्री कॉमोडिटीज में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। लगभग सभी कॉमोडिटीज के अंदर 1 से 1.5% की गिरावट दर्ज की गई है। सबसे पहले बात करें अगर कैस्टर सीड की, तो कैस्टर सीड अपने ऊपरी स्तरों से लुढ़क चुका है और वायदा में भाव अगर अक्टूबर वायदा की बात करें तो 6,000 के नीचे पहुंच गए हैं। वहीं नवंबर वायदा भी 6100 के आसपास कारोबार करता दिखाई दिया है, यानी 1% से ज्यादा की गिरावट नवंबर और अक्टूबर वायदा में दर्ज की गई है। वहीं चने में भी जोरदार गिरावट देखने को मिली है, 1.5% से ज्यादा चना भी वायदा में लुढ़कता हुआ दिखाई दिया है। चने के साथ साथ बिनोला खल भी हल्की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर बात की जाए ग्वार की, तो ग्वार कॉम्प्लेक्स के अंदर भी गिरावट आई है, 2% से ज्यादा ग्वार लुढ़क चुकी है। ग्वार गम के साथ साथ 2% के आसपास ग्वार सीड में भी गिरावट देखने को मिली है। ग्वार गम 10,000 के नीचे एक बार फिर से आता हुआ दिखाई दिया है। वहीं ग्वार सीड ने 5800 के स्तर को तोड़ दिया है, यानी ऊपरी स्तरों पर जबरदस्त गिरावट ग्वार गम और ग्वार सीड में दर्ज की गई है। ग्वार गम और ग्वार सीड के साथ अगर मसालों पर नजर डालें तो धनिये को छोड़कर जीरा और हल्दी में भी आज गिरावट देखने को मिली है। ऊपरी स्तरों से बाजार लुढ़कते हुए दिखाई दिए हैं। आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजारों की शुरुआत गिरावट के साथ हुई है। जहां कमोडिटी मार्केट लुढ़के हैं तो वहीं इक्विटी मार्केट्स में नए हाई लगते दिखाई दिए हैं। इक्विटी मार्केट्स की शानदार ओपनिंग, जबकि कमोडिटी मार्केट के अंदर आज गिरावट भरा रुझान देखने को मिला है। अगर एडिबल ऑयल पैक की बात की जाए तो एडिबल ऑयल पैक में सोयाबीन और रिफाइंड सोया को छोड़कर सरसों के अंदर जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। ऊपरी स्तरों से 0.5% से ज्यादा लुढ़क चुका है बाजार। और वहीं अगर बात की जाए सोयाबीन की, तो सोयाबीन में जो सुबह गिरावट देखने को मिल रही थी वो थमती नजर आई और भाव में 1.5% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। बहरहाल आज नॉन एग्री कमोडिटीज की अगर बात करें तो मिला जुला रुझान है। 2-3 कमोडिटीज ऐसी हैं जिसमें तेजी का दौर देखने को मिला, लेकिन ज्यादातर कमोडिटीज के अंदर ऊपरी स्तरों पर दबाव देखने को मिल रहा है। सोयाबीन में लगातार गिरावट देखने को मिली है। जो सोयाबीन 10,000 के ऊपर कारोबार करती दिखाई दे रही थी, अब वो 5,000 के घरों में पहुंच चुकी है। दरअसल मांग न निकलने से इन स्तरों पर सोयाबीन के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। माना जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में ये गिरावट और बढ़ सकती है। भाव 5,000 से लेकर 6,000 के एक सीमित दायरे में कारोबार करते हुए दिखाई दे सकते हैं। वहीं महाराष्ट्र के अंदर किसानों को भी काफी नुकसान हो रहा है, इसकी कीमतें जो नीचे आई हैं। जो सोयाबीन 10,000 के ऊपर बिकती दिखाई दी, अब वो 4,000 से लेकर 6,000 के कटघरे में हाजिर मंडियों में पहुंच चुकी है। ऐसे में किसान काफी चिंतित हैं और बाजारों में जो अचानक गिरावट देखने को मिली है, इस गिरावट के मद्देनजर फिलहाल सभी किसान घबराए हुए हैं कि क्या भाव ऊपर जा पाएंगे या फिर यहीं से लुढ़कते हुए दिखाई देंगे। वहीं अगर देखा जाए तो फंडामेंटली बाजारों के अंदर अब प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है और बाजारों के अंदर बहुत ज्यादा कोई तेजी की उम्मीद फिलहाल बनती नहीं दिखाई दे रही। इसी के साथ अगर देखा जाए तो मसालों के अंदर अब फेस्टिवल सीजन की एक डिमांड की उम्मीद है कि यहां से मसाले अब अपनी खुशबू बिखेरते हुए नजर आ सकते हैं, मसालों के अंदर खरीदारी लौट सकती है। वहीं एग्री कमोडिटीज के अंदर बाजरा एक ऐसी कमोडिटी है जो आज जबरदस्त गिरावट दिखाती हुई नजर आ रही है। आज पहले जब हफ्ते के पहले कारोबारी दिन कारोबार शुरू हुआ तो बाजरा के अंदर गिरावट देखने को मिली और जैसे जैसे समय बीता 6% से ज्यादा की गिरावट इसमें दर्ज की गई। लेकिन अब जैसे ही बाजार बंद होने का समय आया तो बाजरा में निचले स्तरों पर खरीदारी देखने को मिली है। वायदा में जबरदस्त गिरावट आज देखने को मिल रही है। ऐसे में हाजिर मंडियों में भी मांग पिकअप होती हुई दिखाई नहीं दे रही। तो जिस तरीके से बाजारों के अंदर गिरावट का माहौल बना हुआ है, तो यहां पर खरीदारी के मौके कैसे ढूंढने चाहिए? कौन सी ऐसी कमोडिटी हो सकती है जिनके अंदर आने वाले दिनों में एक तेजी का रुझान बन सकता है? फिलहाल अगर देखा जाए तो एक कैस्टर्ड सीड एक ऐसी कमोडिटी दिखाई देती है। अगर वो 6,000 के नीचे की क्लोजिंग नहीं देती तो वापिस से उसके अंदर बाउंस बैक आ सकता है। तो कैस्टर्ड सीड के ऊपर नजर रखनी चाहिए। जो भी डिप मिलती है उसमें हो सकता है कि बाइंग की रणनीति बन जाए, लेकिन फिलहाल 6,000 के नीचे आज बाजार लुढ़क चुका है। अक्टूबर वायदा की अगर हम बात करें तो उसकी एक्सपायरी भी है और बाजार 6,000 के नीचे है। नवंबर वायदा में अगर 6,000 के आसपास भाव आता है तो वहां पर 5800 के स्टॉप लॉस के साथ एक बाइंग की रणनीति बनाई जा सकती है। वहीं बात करें अगर बिनोला खल की, तो बिनोला खल में भी जो गिरावट आई थी वो अब जैसे जैसे बाजार बंद होने का समय आया उसमें खरीदारी देखने को मिल रही है। ऐसे में कल के दिन बिनोला खल में तेजी बन सकती है, तो आज बिनोला खल के अंदर पोजीशन बनाई जा सकती है 2460-2480 की रेंज में।
उम्मीद की जा रही है कि आगे बिनौला खल में तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। बिनौला खल के साथ साथ धनिया भी एक ऐसी कमोडिटी है जिसके अंदर एक अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। धनिया के अंदर भी फिलहाल इन स्तरों पर खरीदारी की रणनीति बनाई जा सकती है, क्योंकि धनिया भी आगे आने वाले दिनों में एक फेस्टिवल सीजन की डिमांड के चलते एक तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। तो धनिया के अंदर भी इन स्तरों पर खरीदारी करके चला जा सकता है। धनिया के साथ साथ अगर देखा जाए तो सरसों, जो कि लगातार गिरावट दिखाती हुई नजर आ रही थी, आज भी बाजारों में गिरावट है, लेकिन एडिबल ऑयल पैक के अंदर बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं है, छुटपुट खरीदारी बनती हुई दिखाई दे सकती है। तो फिलहाल आज निचले स्तरों पर सरसों के अंदर भी खरीदारी की रणनीति बनाई जा सकती है। तो अगर एग्री कमोडिटीज की बात करें तो कल के कारोबारी सत्र के लिए बिनौला खल एक ऐसी कमोडिटी हो सकती है जो तेजी की तरफ जाती हुई दिखाई दे सकती है, और इसके साथ धनिया में खरीदारी करके चलने में फायदा देखने को मिल सकता है।